वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों की आमदनी को दोगुना किया जाए, साथ ही शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ वातावरण बनाकर गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभान्वित करके उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए, जिससे समाज की मुख्य धारा से जुड़कर वह देश के विकास में अपना योगदान दे सके। ये विचार प्रदेश के पंचायती राज और जिले के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मथुरा के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना से संबंधित आवंटित किए गए बजट के सापेक्ष किए जा रहे कार्यों की बैठक लेते हुए व्यक्त किए। उन्होंने वर्तमान सरकार को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष ध्यान देने वाली बताया। नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने, किसानों को बीज खाद समय से उपलब्ध कराने, निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में पहुंचाने का कार्य सरकार की प्राथमिकता में है। मंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत की गई जनपद में प्रगति एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए शौचालयों और उनकी स्थिति के बारे में समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए कि निगरानी समितियों द्वारा इस बात का भी विशेष ध्यान दिया जाए, जिनके यहाँ शौचालयों का निर्माण हो गया है वे शौचालयों का प्रयोग आवश्यक रूप से करें। उन्होंने सड़क बिजली पानी के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक दशा में गड्ढा मुक्त सड़कें हों। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में मानक के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाए। श्री चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि महिला सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए महिलाओं की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए। गर्ल्स कॉलेजों के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड को प्रभावी बनाया जाए, जिससे किसी भी छात्रा को आने जाने में परेशानी न हो। उन्होंने यातायात की स्थिति को और बेहतर बनाकर ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए कहा जिससे नगर में जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। मंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले बिंदुओं पर विशेष ध्यान देते हुए प्रत्येक माह समीक्षा बैठक की जाए, जिससे अधिकारी अपडेट रहें कि प्रति माह कितना कार्य किया गया है। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि जितने भी पात्र व्यक्ति हैं उन सभी को वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग जन पेंशन से लाभान्वित किया जाए। श्री चौधरी ने विद्यालयों में पुस्तक वितरण एवं ड्रेस वितरण की जानकारी लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी पुस्तक या ड्रेस वितरित किए जाएं, वहां जनप्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से बुलाया जाए। मंत्री ने भूमि संरक्षण अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी जाहिर करते हुए जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि उक्त अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करके शासन को अवगत कराया जाए। बैठक में जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने निर्देश दिए कि विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जाए, साथ ही शिक्षकों को शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें प्रशिक्षित किया जाए तथा उनकी क्वालिटी परीक्षा कराई जाए। उन्होंने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि छूटे हुए मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए, जिससे कि श्रमिकों को केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। बैठक में विधायक बलदेव एवं गोवर्धन द्वारा चिकित्सा संबंधी शिकायत की गई। इस पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी CHC की व्यवस्थाएँ और कार्यों की प्रगति 10 दिन के भीतर सुधारी जाएं, अन्यथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ भी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बैठक में विधायक बलदेव पूरन प्रकाश, गोवर्धन ठाकुर, कारिंदा सिंह, मुख्य विकास अधिकारी राम निवास, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ब्रजेश कुमार, SP देहात आदित्य कुमार शुक्ला और जिला विकास अधिकारी रवि किशोर त्रिवेदी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। विकास कार्यों की जो जिले की जिला योजना की बैठक है उसकी समीक्षा के लिए आज हम सब बैठे हैं अधिकारियों के साथ, और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तो जो परियोजनाएं हैं उनके जो कार्य हैं निर्धारित समय सीमा के अवधि में पूरे करने, और जो जो समीक्षा की दृष्टि से जो जो और विषय आए हैं उनको
अलग अलग विभागों के विषय आए, उसकी सबकी समीक्षा हुई है और उसके आधार पर जो जो कार्य जिस आधार पर होने हैं उनको निश्चित समय सीमा जो भी है उसके लिए यहाँ से निर्देशित किया गया। कितने संतुष्ट है अभी तक समीक्षा से? नहीं, समीक्षा प्रॉपर समीक्षा हम लोग अधिकारियों के माध्यम से भी करते रहे हैं और जो जो जिला योजना में बजट आवंटित हुआ है जो तो उसका एक दो विभागों को छोड़ के सबका संतोषजनक है प्रगति। पहली बार थोड़ी सी बारिश में जनपद की सभी सड़कें अपनी हुई हैं, गुणवत्ता को लेकर क्या कहेंगे सड़कों की? ये विषय आया है जहाँ जहाँ इस तरह की बात आई है PWD को के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि इसकी जाँच करेंगे और जाँच में जो जो लोग दोषी पाए जाएंगे चाहे अधिकारी हों या संबंधित ठेकेदार हों सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।